सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी भाई? उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे हो गए। और ये देखो कितना तगड़ा सनराइज हो रहा है। और आज मैं सुबह सुबह पापा के साथ आ गया। हेलो करता हूँ पापा जी सभी को। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। तो भाई आप लोग शाम को देखते हो, पर अपनी तो गुड मॉर्निंग ही होती है ना, तो इसलिए अपन गुड मॉर्निंग बोलते हैं। और अभी बस फ्रूट लेके आए थे मंडी से, और अभी एक बार बस घर पहुँच के वर्कआउट करना है आज घर ही। आज मैं स्टेडियम नहीं जा रहा, बस एक बार पहुँच जाऊँ। ड्राइविंग करते टाइम ब्लॉग बनाना भी ठीक नहीं है, और वैसे भी मैनुअल गाड़ी है। तो गाइस पापा ले गए इलेक्ट्रिक हैंडल और गाड़ी कर दी फिर से अंदर, क्योंकि अभी इसको मैं करूँगा पॉलिश कर दी यार, क्योंकि कल वो उसकी थी ना, तो पॉलिश होने के बाद फिर मिट्टी नहीं जमती, और अब मिट्टी जमी हुई है इसके ऊपर। बस ये थोड़ी सी मिट्टी हटा के फिर इसके ऊपर पॉलिश कर दो जल्दी से, फिर अकेडमी का टाइम भी हो रहा है, तो जल्दी जल्दी जल्दी। सो गाइस जो पॉलिश रबिंग करनी थी वो रबिंग हो गई है कम्प्लीट। बस अभी एक और बारिश के ऊपर से कपड़ा लगाना बाकी है, बस एक बार वो लगा दूँ फिर पूरी क्लीन हो जाएगी सारी पॉलिश, जो कहते हैं ना रम जाएगी भाई बिल्कुल। लगने के बाद दिखाता हूँ, अब देख लो कैसी है। सो गाइस देखो पॉलिश डन हो चुकी है, अब देखो शाइन गाड़ी पे। तो गाइस यार जैसे एकेडमी का सेशन खत्म करके निकला ना बाहर, ये देखो बारिश आ गई। ये देखो वॉच भी भीग गई, फोन भी भीग गया, मैं भी भीग गया। देखो बारिश आ गई तगड़ी तो नहीं, पर इतनी है कि भिगो देगी घर तक जाऊंगा तो। देखते हैं क्या रहता है, उसके बाद एक बार एजेंसी भी जाना है, कुछ नया सरप्राइज आने वाला है आप लोगों के लिए, वही देखने जा रहे हैं भाई। बारिश में जो तुम्हारे भाई का हाल हो रहा है ना, हद बिल्कुल अंत, क्या बताऊं। देखो कितनी तेज बारिश आ रही है भाई, ये देखो कितनी तेज वाइपर चला रखी है। सो गाइस अभी मैंने पापा को बुला लिया और अंकल प्रदीप को कि आ जाओ मुझे ले जाओ, फिर एजेंसी चलेंगे। तो चलो एक बार आ जाएं, मैं स्कूटी यहाँ पे कर दूंगा अपनी एंड और खड़ी, फिर क्या करें भाई जब बारिश आ रही है, और फिर उसके बाद गाड़ी ट्रायल भी नहीं देते वो एजेंसी वाले 5 बजे के बाद, फिर क्या फ़ायदा भाई। तो देखो एक बार आ जाएं, वो आ गए भाई I-20 मुझे रेस्क्यू करने आ गए पापा और अंकल। एक बार उनके साथ बैठ के एक बार महिंद्रा चले जाएं, फिर देखते हैं क्या रहेगा, एक बार वो टर्न करके आ जाएं वापसी। तो पापा लेके आ गए भाई अब महिंद्रा एजेंसी, और अब देख रहे हैं थार और XUV 700, क्योंकि आई राइडर कैंसिल कर रहे हैं भाई, अंकल की भी और हमारी भी कैंसिल हो गई आई राइडर। अब वो देखो सामने खड़ी है थार, उसकी टेस्ट ड्राइव लेंगे हम, और एक XUV 700 की। तो भाई अभी फिलहाल ले रहे हैं टेस्ट ड्राइव थार की। चलो लेट्स गो चलो, ये आ गई भाई थार, इसकी टेस्ट ड्राइव ले लें। ये पेट्रोल माइंड सर में डीजल लेनी तो इसने पेट्रोल क्या है तेज से भी कर दी थी। अरे इसका तो तेज बात है जी, इसका 30 BHP फालतू है, टॉर्क भी फालतू है, टॉर्क बराबर है जी, टॉर्क बराबर है वो 130 है, ये 150 है, 30 की का फर्क हुआ, टॉर्क का तो हूं है। इस मांग ले लगेंगे को नहीं लगे क्यों ठीक दे रहा क्या हो तुमने पढ़िया चलन की गाड़ी है भाई। हाँ जी
पहाड़ी पर चलानी है सूर का कैची मार दी सूर बाज ले और उसके कैची मार के गेना आशी गेल है। इसमें टायर स्ट्रोक है ना? हाँ, ओल्ड टायर एंड टायर होती है, स्ट्रोक टायर है ना। स्कॉर्पियो में तो ठीक है, गियर बॉक्स ऑटोमेटिक में। स्कॉर्पियो बड़ी कितनी है, भारी कितनी है अंकल का? तो ठीक नहीं है भाई, भारी में क्या दिक्कत है? लेंथ तो इनोवा से तो कमी है जी, लेंथ कम है, चौड़ाई ज्यादा है। चौड़ाई तो इस सेगमेंट को ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, चौड़ाई तो वही है इतना कड़ा एक ही है, उसकी शेप ऐसी है कि उसकी चौड़ाई पे इतना ध्यान नहीं जाता। मजबूत एसयूवी सेगमेंट है, टू हाईवे चल रही है, टू हाईवे चलेगी। जब भाई अभी चल रहा है डॉक्यूमेंट्री का काम, पापा करवा रहे सामने बैठ के, बस एक बार हो जाए कंप्लीट, उसके बाद देखो कितने दिन में मिलेगी। सो गाइस, जैसे कि आप सभी ने देखा कि थार बुक कराने गए थे और किसी कारण से थार मुझे नहीं मिल पाएगी। देखो अगर मिल भी जाए या ना मिले तो भाई जो भी अपडेट होगी मैं आपको साथ साथ देता रहूँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली एक अच्छी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।